हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हमने करवाया है काम, क्योंकि हमारे कमरे में थी खिड़कियाँ बहुत ही छोटी, तो बड़ी खिड़कियाँ लगाई हैं और हम कई दिनों से यहाँ पे आ चुके हैं, तो बस यहीं पे हमारा काम चल रहा है। पर्दे लगाने हैं, खिड़की हमारी बन चुकी है, पर्दे लगाने हैं। तो आज अनिल और मेरी सासू माँ गए थे मार्केट, तो वहाँ से लेके आए हैं पर्दे, और पर्दे मुझे बहुत ही पसंद आए। कलर इनका बहुत ही अच्छा है और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस यही काम चल रहा है, और छोटे बेबी के लिए भी कपड़े सब बन रहे हैं और सारी तैयारियां चल रही है। इसकी वजह से पूरा घर है ना ऐसे बिखरा पड़ा था, सामान सब बिखरा पड़ा था। और खिड़की हमारी लग चुकी थी, उसके बाद जो कबर्ड हटाया तो पीछे बहुत ज़्यादा धूल थी, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। और पर्दे का जो पाइप होता है वो भी लगाया है, तो इसकी वजह से ड्रिल चल रही थी तो बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, तो मैंने सोचा झाड़ू लगा दूँ उसके बाद हम पर्दे लगा दें। तो यहाँ पे आए हैं, कितने दिन हो गए लेकिन ब्लॉग हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बीच में कहीं तबीयत रहती है ठीक, नहीं रहती ठीक, ऐसा कुछ हाल चल रहा है। और बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। काम तो बहुत ज़्यादा करवाना था लेकिन करवा नहीं पाए कुछ ना कुछ रीज़न से। और यहाँ पे हमने पर्दा जो लगाया है बहुत लंबा है, तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, तो अनिल नाप रहे थे कि कितना शॉर्ट करना पड़ेगा, तो वही बस देख रहे थे। और काम करवाना था लेकिन सारा काम हो नहीं पाया। इस साइड के हमारे पर्दे लग गए, जो रात में बहुत प्यारे, और अनिल देखो इतने गर्मी से भीग गए। किस बात की खुशी है जो नाच रहे हो? कितने दिन से? 8 दिन से बैठ लगा हुआ ऐसी बैठा लाया उन्हें तो गर्मी बोल के थी। और उसी रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो सुबह हमको इमरजेंसी में आना पड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था। तो मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और अभी रात का टाइम है, तो पापा हमारे लिए खाना लेके आए हैं। और क्या बोलूँ, अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक है, और इससे पहले जब मुझे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है तो ऐसा हो रहा है कि जान निकल जाएगी, ऐसा पेट दर्द हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे चेहरे से आप देख सकते हो अभी थोड़ी सी ठीक है मेरी तबीयत, अभी मुझे पेट दर्द नहीं हो रहा, लेकिन जब दर्द होता है तब तो ऐसे होता है कि जान ही निकल जाएगी। तो पता नहीं कब तक हम एडमिट रहेंगे या फिर क्या कुछ है, तो वो आगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि तबीयत के मारे और ऐसी हालत के मारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एडमिट कर दिया है हमें। तो 2 दिन तो हुए हैं, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। टाइम से पहले ही मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और फाइनली हमको छुट्टी मिल गई है, और कम्प्लीटली मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ बेबी के लिए सारे कपड़े देख रही हैं, सारे कपड़े हमने कर लिए अरेंज, तो वो बस जो धोने हैं वो धो के फिर रखने हैं, ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं हमारी। हेलो एंड नमस्ते। तो हॉस्पिटल से आए हैं, उसको 8 दिन हो गए थे, और मेरा कंप्लीट बेड रेस्ट है, इसकी वजह से मैं ब्लॉग वीडियोस कुछ भी नहीं बना पा रही, और हालत बहुत ख़राब है। ऐसा है कि पीछे से ना पंखे का आवाज़ आ रहा होगा, और मेरा भी आवाज़ बहुत ही मेरी है सुबह गई में। तो खाना ब्रश करना सब मेरा बेड पे खड़े, मतलब कि मुझे ना पूरा दिन बेड पे ही सोना है ऐसा है। और अभी डिलीवरी का टाइम नहीं है, लेकिन मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, इसकी वजह से मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट है, और कल फिर से हमको दवाई लेने जाना है। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट करूँ इसके लिए, और सोते सोते क्या शूट करूँ कुछ सोच भी नहीं रहा। कल बेबी के कपड़े सारे देख रहे थे, और बस
क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आप सब दुआ करना, प्रार्थना करना कि सब है ना अच्छे से हो, ठीक हो। कल मैं हॉस्पिटल जाएंगे तो कल देखती हूँ ब्लॉग शूट करूँगी तो, और नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है क्या मैं बोलूँ। बस बैग रेडी कर रहे थे, लेकिन बैग का मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊँगी, सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, मैंने क्या क्या बनाया है, क्या बेबी के लिए क्या क्या तैयारियाँ हैं सब। लेकिन अब तो मुझे बैठ रहा है तो सूट कौन करेगा, और इसी वजह से कुछ भी सूट नहीं हो पाया, कुछ शेयर नहीं कर पाई। हालत मेरी बहुत ही ख़राब है, जैसे खड़ी होती हूँ वैसे मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही और दवाई से और सारी चीज़ों से कंट्रोल है, मतलब कि अभी है ना मेरी डिलीवरी को टाइम है, लेकिन टाइम से पहले ही सब स्टार्ट हो गया है इसकी वजह से। तो आज 2रा दिन है, कल हम दवाई लेने गए थे, नहीं 3रा दिन है, तो कल दवाई लेने गए थे, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था और सब ठीक है। तो सब ठीक है, डॉक्टर ने दवाई दी है, वो दवाई टाइम टू टाइम खाने की है, अभी 7 बजे की दवाई है जो खानी है, तो अब खाऊंगी। बस मैंने एक बनाना खाया और बैठी हूँ, और मेरी सास माँ दूध लेने गए, वहाँ पे कपड़े कर रहे थे, बारिश हो रही है तो कपड़े हमने घर में सुखाए हैं, और वहाँ पे छोटे बेबी के लिए नैपी वैपी क्या बोलते हैं लंगोटियाँ वो सारी सिल रहे हैं, सिली थी लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी था, तो बहुत सारे काम कर रहे थे। और यहाँ पे बारिश हो रही है तो अब है ना गर्मी थोड़ी सी कम लग रही है, और तबीयत भी पहले से मेरी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन बीच में जब दर्द उठता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जान ही चली जाएगी। और अच्छे खेल रहे हैं बाहर, तो फिंगर अभी भी कॉश है और डर भी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि आगे अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। टाइम भी है थोड़ा सा, लेकिन एक्साइटमेंट भी है और नर्वस भी हूँ, और क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। और कल ही मुझे मेरी सासू माँ बोल रही थी कि तुम वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, मैं बोली कि सोते सोते क्या वीडियो बना, तो बोले कि थोड़े थोड़े से बना, क्लिप बना, मैंने सोचा ठीक है बना होगी अब धीरे धीरे। तो चलो दवाई का टाइम हो रहा है, टाइम टू टाइम दवाई खानी होती है, तो मैं दवाई खा लूँ, फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, बताया।